सीरियल अनुपमा में अब होगा फिर से अनुज और अनुपमा का मिलन। जी हाँ, कहते हैं ना कि दो प्यार करने वालों को पूरी दुनिया अलग करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन जिनकी किस्मत ऊपर वाले ने जोड़ी हो उनको कोई अलग नहीं कर सकता। फिर चाहे माया, बरखा और वनराज कोई सी भी चाल क्यों ना चल ले, आने वाला है अनुपमा में सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या होने वाला है ऐसा? चलिए हम आपको पूरी खबर बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। सीरियल अनुपमा में अब आप सभी को बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। अनुपमा अनुज से बेइंतहा प्यार करती है, अनुज भी अनुपमा के बिना नहीं रह सकता। लेकिन माया का झूठ, माया का जाल, या यूं कहें जो गिल्ट फिजूल में अनुज महसूस कर रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अनुज और अनुपमा के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर अनुपमा को ये एहसास हो जाएगा कि उसका जीवन कुछ भी नहीं है अनुज के प्यार के बिना। वो अनुज के प्रेम को नहीं खो सकती है और ऐसे में अब दोनों पूरी रात एक साथ बिताकर एक दूसरे की बाहों में खोकर ये भी भूल जाएंगे कि कब रात से सुबह हो जाएगी। लेकिन सुबह वो शाह हाउस पहुंचेंगे, वहां पर माया ड्रामे कर रही होगी और ये कह रही होगी अनुपमा मेरे अनुज को ले गई। लेकिन अनुपमा और अनुज आएंगे और अनुपमा अब ये बताएगी माया को कि अनुज आखिर किसका है। और यहाँ पर अनुज और अनुपमा जिस तरह से एंट्री लेंगे उसको देखकर सबकी बोलती बंद हो जाएगी। जी हाँ, अनुज और अनुपमा एक दूसरे से फिर से शादी करने वाले हैं। दोनों भगवान को साक्षी मानकर मंदिर में एक दूसरे को माला पहनाने वाले हैं। ये सब कुछ अनुपमा अपने ठाकुर जी के सामने करेगी, यानी कि कान्हा के सामने करेगी, जो कि प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। अब ऐसे में अनुज और अनुपमा को इस हाल में देखकर माया का झूठ सामने आ जाएगा, क्योंकि माया को कुछ नहीं होगा। माया जो कि अनुज को ये दिखा रही है कि वो बहुत बीमार है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, अनुज को रियलाइज हो जाएगा माया का झूठ। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि अनुपमा अमेरिका जाएगी और यहाँ पर अनुज अकेला रहेगा और 3 साल के बाद अनुपमा वहां से लौटने वाली है। कितने एक्साइटेड है आप इस ट्विस्ट को देखने के लिए, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें।